हाय गाइस, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। आज की वीडियो में आपसे बात करूंगा कि जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो तो इमीडिएटली स्ट्रेस से कैसे बाहर आएँ। इमीडिएटली का मतलब होता है उसी टाइम, इंस्टेंटली कैसे बाहर आएँ। कई वीडियोस में मैंने बात करी है, मैं ऑलरेडी पहले भी बात कर चुका हूँ काफ़ी ज़्यादा, कि एग्ज़ाम का जो फियर है, डर है, स्ट्रेस है, इन चीज़ों से कैसे बाहर आ सकते हैं। मैंने ऑलरेडी वीडियोज़ बनाए हैं इस पर, बट ये वीडियो थोड़ा स्पेशल इसलिए क्योंकि ये आप इसमें मैं बात करूँगा एक ऐसी टेक्निक के बारे में जिसको अगर आप अप्लाई करेंगे तो इमीडिएटली उसी टाइम आप जो आपकी जो स्ट्रेस है वो एकदम से हट जाएगा बिल्कुल, ठीक है। तो अब कैसे हो सकता है, देखो हमारी जो माइंड है और जो हमारा बॉडी है ये दोनों आपस में कनेक्टेड है। कनेक्टेड कैसे हैं, जैसे कि मान लो अगर आप बहुत सैड रहते हो, ठीक है, आप बहुत परेशान रहते हो, आप बहुत डिप्रेस रहते हो, तो आप देखेंगे कि जब भी आप सैड रहते हो और डिप्रेस रहते हो आपका जो चेहरा है बहुत ऐसे रहेगा, डल डल सा रहेगा, जो कंधे हैं आपके झुके रहेंगे, ठीक है, ऐसे रहोगे आप पूरा टाइम, और बात भी आप बहुत स्लो करोगे, हाँ जी कैसे हो, ठीक हैं, ठीक है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब आप सैड होते हो, जब आप डिप्रेस होते हो तो आपका जो चेहरा है वो उतरा रहता है, कंधे आपके झुके रहते हैं, आप बहुत स्लोली जवाब देते हो, बहुत आवाज़ भी निकलती है आपके मुँह से, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, जब आपके थॉट्स आपके सैड और डिप्रेसिंग है तो आपकी बॉडी भी वैसे रिएक्ट करना शुरू कर देती है। तो अब हम क्या करें कि इमीडिएटली जो हमारे दिमाग में सैड है, डिप्रेशन है, इसको ख़त्म करने का तरीका क्या है। इसको ख़त्म करने का तरीका है कि आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को चेंज कर लो, ठीक है। बॉडी लैंग्वेज को चेंज करने का क्या मतलब है, आप देखो जब आप कॉन्फिडेंट होते हो, जब आप बहुत खुश होते हो तो कैसे होते हो आप, ठीक है, आपकी आवाज़ में एक जान आ जाती है, आप बहुत कॉन्फिडेंट साउंड करते हो, कंधे एकदम बिल्कुल टाइट रहते हैं जैसे सोल्जर के रहते हैं ना, एकदम चेस्ट आउट, एकदम शोल्डर स्ट्रेट, आवाज़ में मैंने जैसे कि बोला आवाज़ में कॉन्फिडेंस होगा, खुश दिखोगे आप, ठीक है। तो जब कॉन्फिडेंट होते हो तो बॉडी की जो स्टेट है वो चेंज हो जाती है, जब दुखी होते हो तो बॉडी की स्टेट चेंज हो जाती है। तो अब हमें क्या करना है, जब अगर हम सैड हैं, अगर हम डिप्रेस हैं, तो उस टाइम पर हम इमीडिएटली अपनी बॉडी को वैसा कर लें जैसा कि जब हम कॉन्फिडेंट होते हैं, खुश होते हैं तब करते हैं। कहने का मतलब क्या है, सैड हो, डिप्रेस हो, जैसा भी लगे कि हाँ मन नहीं कर रहा, बहुत बेकार लग रहा है, जीवन बेकार है, क्या करूंगा पढ़ के, सब बेकार है, सब कुछ बेकार है, ठीक है। तो ये दिमाग में थॉट्स चलते हैं तो ये एक सर्कल बनता जाता है, एक साइकिल, दूसरी साइकिल, तीसरी साइकिल, चौथी साइकिल, और बच्चे क्या होते हैं, सैड और डिप्रेस रहते रहते हैं। एक पहला थॉट आता है सैडनेस का, दूसरा आता है, तीसरा आता है, फिर वो पता नहीं कौन सी दुनिया में पहुंच जाते हैं, सोचते जाते हैं, सोचते जाते हैं, सोचते जाते हैं, फिर उससे बाहर नहीं आ पाते। बाहर क्यों नहीं आप आ ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपने उस सर्कल में, साइकिल में घूमे जा रहे हो। तो इससे बाहर आने का क्या तरीका है, इससे बाहर आने का तरीका है, जैसे ही आपको मालूम पड़े कि आप सैड हो, डिप्रेस हो, बेकारे नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, बहुत ही डिप्रेसिंग और बोरिंग वाले थॉट्स आ रहे हैं, तो इमीडिएटली आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को चेंज कर लो। बॉडी लैंग्वेज को चेंज कर लो मतलब एक ऐसी स्टेट में ले आओ बॉडी लैंग्वेज को जिससे बॉडी आपकी बहुत कॉन्फिडेंट साउंड करे, ठीक है। एकदम से चेस्ट आउट करके आप बैठ सकते हो या खड़े हो सकते हो, ठीक है। आप जो आपकी आवाज़ है वो थोड़ी कॉन्फिडेंट आप साउंड करने लग जाओ, ठीक है। चेस्ट को आउट रखो, जैसे कि मतलब स्टेट आपकी जो खुशी की स्टेट होती है उस टाइम पे जो आपकी बॉडी होती है, ठीक है। अगली बार देखना कि जब आप कॉन्फिडेंट होते हो और जब आप खुश होते हो तो आपकी बॉडी की स्टेट क्या होती है, तो इमीडिएटली उसी स्टेट में आ जाओ, ठीक है। जैसे कि मैंने पहले बताया, जब भी हम कॉन्फिडेंट होते हैं, जब भी हम हैप्पी होते हैं तो हमारी आवाज़ तेज हो जाती है, ठीक है, हमारी आवाज़ में एक स्पार्क आ जाता है, ठीक है, हमारा जो बॉडी लैंग्वेज है चेंज हो जाती है, चेस्ट आउट हो जाएगा, शोल्डर्स आपके बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएंगे, तो उसी स्टेट में इमीडिएटली आपको ले आओ। कभी भी ऐसा नहीं होगा तो इमीडिएटली आप देखोगे जैसे ही आपकी बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिडेंट हुई, जैसे ही आप अपने बॉडी को चेंज किया, कॉन्फिडेंट स्टेट में आ गए, ठीक है, इमीडिएटली जो आपका सैडनेस है, डिप्रेशन है, खत्म हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि बॉडी और माइंड कनेक्टेड हैं, ठीक है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप की बॉडी एकदम कॉन्फिडेंट रहे, आपकी आवाज़ में एक कॉन्फिडेंस आ जाए, ठीक है, आपकी आवाज़ में एक स्पार्क हो और आपके दिमाग में थॉट्स नेगेटिव चलते रहे। आप ट्राई करके देखना, इस चीज़ को ट्राई करना, बॉडी लैंग्वेज को एकदम कॉन्फिडेंट रखना, ठीक है, अपनी आवाज़ को एकदम कॉन्फिडेंट रखना, वैसे अपनी बॉडी को रखना जैसे कि जब एक कॉन्फिडेंट आदमी दिखता है, ठीक है, एक हैप्पी आदमी की जो बॉडी होती है उसी तरीके की स्टेट में अपनी बॉडी को ले आओ। और कोशिश करना नेगेटिव सोचने की, कोशिश करना सैडनेस, सैड वाले थॉट्स को लाने की, कोशिश करना डिप्रेसिव थॉट्स को लाने की, ला ही नहीं पाओगे। क्योंकि जब भी आपकी बॉडी एक कॉन्फिडेंट स्टेट में आएगी, जैसे ही बॉडी आपकी कॉन्फिडेंट होगी, माइंड में भी आपके थॉट्स भी कॉन्फिडेंट और पॉजिटिव आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये एक बिल्कुल सिंपल टेक्निक है, और खाली मेरी बातों पर जो मैं कहता हूँ ऐसे ही नहीं कि बिलीव कर लो कि सर कह रहे हैं तो बिलीव कर लो, नहीं, ट्राई करके देखना, ठीक है। आज दिन में ऐसा कई बार होगा जब आपके दिमाग में सैडनेस आएगी, डिप्रेशन आएगा, नेगेटिव आएगा, जैसे ही होना एकदम स्ट्रेट हो जाना, ठीक है, चेस्ट आउट करके बिल्कुल बैठ जाना और चेहरे को एकदम स्ट्रेट रखना, ठीक है। और एक बार दिमाग में बस बोलना कि आई हैव टू थिंक नाउ,
पॉजिटिव, ठीक है, तो इमीडिएटली आप देखेंगे जो आपके डिप्रेसिव थॉट्स से नेगेटिव स्टेट से खत्म हो जाएगी। बॉडी की लैंग्वेज को चेंज करते ही, बॉडी की स्टेट को चेंज करते ही आपकी माइंड की स्टेट भी चेंज हो जाती है, ठीक है। और ये वाइस वर्सा भी होता है कि माइंड की स्टेट को आप चेंज कर लोगे तो बॉडी की स्टेट ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। जैसे ही आप माइंड में कॉन्फिडेंट थॉट्स सोचोगे, माइंड में जैसे ही मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, आप सोचोगे कि आपका पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, आप शेयर हो, तो इमीडिएटली आपकी देखोगे आपकी बॉडी लैंग्वेज भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो ये माइंड और बॉडी बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। माइंड को चेंज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बॉडी को चेंज करना कंपैरेटिवली आसान है। ये दिमाग से थॉट निकालना बहुत मुश्किल है कि हम हर टाइम बहुत अच्छा सोचे, पॉजिटिव सोचे, वो मुश्किल है, बट बॉडी की स्टेट को चेंज करना ज़्यादा आसान है। इमीडिएटली कॉन्फिडेंट होके बैठना, इमीडिएटली कॉन्फिडेंट चेस्ट को रखना, एकदम से नेक को स्ट्रेट रखना, ये कंपैरेटिवली आसान होता है। इसलिए मैंने बोला कि आप बॉडी को चेंज करो, माइंड अपने आप बाद में चेंज होगा, क्योंकि बॉडी को चेंज करना आसान है। सिंपल सी टेक्निक बताइए, इमीडिएटली रिजल्ट्स आते हैं, इसको करके देखना और मुझे बताना बॉडी की स्टेट को चेंज करते ही कि आपकी माइंड की स्टेट चेंज होती है या नहीं होती है। तो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। वीडियो अच्छा लगा है तो उसको डेफिनेटली सबके साथ शेयर करें। और हम इंस्टाग्राम पे ज्यादा एक्टिव हैं, अब फेसबुक पे हम लोग कम एक्टिव हैं, तो इंस्टाग्राम पर नीचे मैं लिंक दे रहा हूँ, इंस्टाग्राम पे हमसे जुड़ें, आप अपने पर्सनल क्वेश्चंस वहां पे रखें, ठीक है। तो जैसे ही हमें टाइम मिलेगा वी विल डेफिनेटली गेट इन टच विद यू। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।